माफी चाहते हैं, मगर हमारे सभी देशवासियों को देश की ये छिपी तस्वीर दिखानी भी बहुत जरूरी है। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं हमारे भारत देश के सम्माननीय पुलिस महकमे के उन अधिकारियों को लेकर जो शराब के साथ देश की इज्जत को भी पी गए। ध्यान रहे, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ भारतीय लोगों को अवगत कराना है, ना कि किसी अधिकारी की छवि को खराब करना। उससे पहले ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शराब एक बहुत ही बुरी चीज का नाम है, साथ ही हमारी भारतीय सरकार ये भी कहती है कि इसका सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मगर तमिलनाडु से एक वायरल हुई वीडियो में एक महिला पुलिस नजर आती है, वो भी इस बुरी चीज के साथ। इस वीडियो में इस महिला पुलिस के साथ एक पुरुष की आवाज भी सुनाई पड़ती है जिसका वीडियो बना रहा था। वीडियो वायरल हुआ तो इस महिला पुलिस पर कार्रवाई करते हुए इसे सस्पेंड कर दिया गया। अब आप हमारे एक बात का जवाब दीजिए, एक तो महिला ऊपर से पुलिस अधिकारी, क्या हमारे भारत देश को ऐसे ही पुलिस कर्मियों की जरूरत है? जवाब जरूर देना। श्यामलाल सरोज, ये हमारे भारत देश के वो रिस्पेक्टेड पुलिस अधिकारी हैं जिनको सोने के लिए जब कहीं पर जगह नहीं मिली तो इन्होंने सड़क पर ही सोना उचित समझा। वीडियो को अच्छे से देखने पर मालूम हुआ कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का वीडियो है। वीडियो में सड़क पर सो रहे जनाब, मगर नींद उत्तर प्रदेश पुलिस की उड़ रही थी। जब ये वीडियो लोगों के मोबाइल तक पहुंचने लगा, जाहिर सी बात है कि ये महाशय नशे की हालत में थे, जिन पर बाद में उचित कार्रवाई भी की गई। नींद किसी को भी आ सकती है, इसमें बुराई क्या है? जैसे इन पुलिसकर्मी को देख लीजिए, इनको भी अपनी ड्यूटी पर नींद की झपकियां आ रही है। ऐसे में ये इस पट्टी पर सोने के लिए जूते उतार ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे गिर जाते हैं। ये क्या था, कैसे हुआ? आप समझदार हैं इसलिए ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे किस वजह से ये नीचे गिर गए। पता नहीं शराब और उत्तर प्रदेश का आपस में क्या कनेक्शन है कि इंटरनेट पर मौजूद ऐसी सभी 10 वीडियोस में से 5-6 वीडियोस आपको यही उत्तर प्रदेश पुलिस की मिलेगी। जैसे इस वीडियो क्लिप को देखिए, ये भी यूपी के मऊ जिले का है, जहां पर जनाब नशे की हालत में मार्केट में पहुंच जाते हैं और गमछा रोड पर बिछाकर यहीं सो जाते हैं। मस्त गाना गाते हुए सड़कों पर घूमते हुए उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि जन्नत में घूम रहे हैं साहब। ऐसा भला क्यों ना लगे, अब शराब मुंह को लगी है, जन्नत तो दिखनी है। कहते हैं शराब में एक अलग ही नशा है जो इंसान में अलग ही पावर डाल देता है। ऐसी अंदरूनी ताकत इन भाई साहब में भी आ गई जब इन्होंने शराब के 2 जाम पी लिए। और फिर क्या, पहुंच गए मार्केट के बीचों बीच और पकड़ कर खड़े हो गए इस गाड़ी के बोनट को, और उस जाम की ताकत का असर देखिए। ये जनाब बोनट को जिस ताकत के साथ पकड़े थे उसे छुड़वाने के लिए कईयों को बीच सड़क आना पड़ा, तब जाकर इन्होंने गाड़ी के बोनट को छोड़ा, वरना आज ये गाड़ी इस पहाड़ जैसे पुलिसकर्मी को हटाकर आगे नहीं जा पाती। वीडियो के अंत में जाते जाते एक नजर इन पंजाब प्रांत के पुलिसकर्मी पर भी डाल लो। वीडियो को समझना बड़ा ही सीधा और आसान है। ये जनाब झाड़ियों के पास बैठे 2 जाम पी रहे थे, मगर रंगे हाथों पकड़े गए। फिर क्या, इनको लगा इनको यहां से भागना चाहिए, मगर वो 2 जाम जो इन्होंने पिए वो इस पुलिसकर्मी को 2 कदम भी चलने नहीं दे रहे थे। एक बात समझ में नहीं आती कि ये हमारे भारत देश की पुलिस को आखिर हो क्या रहा है, समाज पर ऐसी वीडियोस का क्या असर पड़ेगा, हम क्या ही बताएं। दुनिया में सबसे कड़वी चीज तो इंसान की जुबान है, दारू और करेला तो खामखाई बदनाम है। ये सभी वीडियोस देखकर आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ना, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख डालिए। और हाँ, वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों में पहुंचा देना, 1,00,000 लाइक्स का टारगेट पूरा करना है आपको। सच बता रहे हैं, हर नागरिक का कर्तव्य बनता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्लैनेट अर्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।